तरकाना का कचौरी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। एकदम ये स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है, आप घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए हमने यह मैदा ले लिया है, हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम 1 टीस्पून तेल डालेंगे। हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। देखिए हमारी ये डो कितनी सॉफ्ट लग रही है, एकदम नरम नरम। अब हम इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे। कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए पैन को गरम कर लिया है। हाफ टीस्पून ऑयल डालेंगे, जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, हींग डालेंगे, अखा धनिया डालेंगे, चिली ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे थोड़ा सॉटे करेंगे। अब हम कांदा डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून शुगर, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बॉइल्ड स्मैश आलू डालेंगे। स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है, अब हम कचौरियां बनाएंगे। हमारे स्टफिंग्स को ऐसे करके हम गोल बना लेंगे, इसे राउंड शेप दे देंगे। हमारे गोले बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम कचौरियां बनाएंगे। देखिए आधा घंटा हो गया है, हमारी डो एकदम मस्त लग रही है, बिल्कुल सॉफ्ट। हम हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे, हम ऐसे गोल करके इसे ऐसे दबाना है। इसे दबाने के बाद हम इसमें हमारे स्टफिंग डालेंगे, इसे ऐसे ऐसे करके हम कर देंगे। ऐसे करने के बाद हम ऊपर का थोड़ा निकाल लेंगे। ऐसे गोल करके हम इसे प्रेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही प्रेस करते हैं। हमने इसे कचौरी का शेप दे दिया है, हम ऐसे ही सारे कचौरियां बना लेंगे। अगर आप आपके कचौरियां बर्तन पे रख रहे हो तो इसमें थोड़ा तेल लगा के रखें ताकि कचौरियां उठाते वक्त चिपके ना। देखिए हमारी ये कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तलने के लिए हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। हम मैदा का टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं। देखिए ये ऊपर आ रहे, मतलब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम हमारे कचौरियां डालकर फ्राई करेंगे। देखिए हमारी ये कचौरी क्या मस्त फूल रही है, अब हम इसमें दूसरा भी ऐड करेंगे। क्या मस्त ब्राउन हो गया हमारा ये कचौरी। हमारी ये कचौरी बन चुकी है, हम इसे उतारेंगे। इसी तरह से हम हमारे सारे कचौरी को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी ये आलू और कांदा की कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है, एकदम होटल जैसी बनी है, बहुत मस्त लग रही है। आपको देखते ही लग रहा है कि खाने में भी कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए किडीज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किडीज किचन को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।